आंसू निकल रहे होंगे जो इनके साथ कल किया, मौलाना साहब ने भी जाते हुए वो तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग खड़े हैं सबके आंसू निकल रहे हैं। अगर अवस्था करने के नौ जमाते इसके हक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ्फुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सदर एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे, तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुल्तवी तसव्वुर किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इक्तदार के पहले दिन से हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन के सियासी इत्तेहाद यानी पीडीएम पूरी कोशिश में है कि किसी तरीके से हुकूमत को इक्तदार से चलता किया जाए। इस हुकूमत मुखालिफ तहरीक जिसमें दो बड़ी सियासी जमातें यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजल रहमान को क्यादत दी। साल 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बरसर इकतदार में आई और 2019 में अपोजिशन जमातों ने इस्लामाबाद में धरना डाल दिया। तब भी यही अपोजिशन जमातों की यही शरायत थी कि हुकूमत इस्तीफा दे वरना मुल्क भर में एहतजाज होगा। दो दिन की मोहलत है आपके पास, आप इस्तीफा दे दें वरना फिर अगले दिन हमने इससे आगे फैसले करने हैं। पर इस पहले धरने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतात नजर आई। उन मुजाहिरों में शामिल जमातों के कायदीन से रहनुमाओं से मशवरे के साथ वहाँ की मकामी हिकमत अमली तय करें और 13 दिन का धरना बगैर किसी सियासी मुतालबे पूरे हुए खत्म हो गया। फिर पिछले साल पीडीएम का कयाम हुआ जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम फे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद हुआ, लेकिन इसके बाद जल्द ही पीडीएम के अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ गए। इससे एक बात वाज़े हो गया कि अपोजिशन जमातों का गठजोड़ हुकूमत के खिलाफ तहरीक में नाकाम रहा, पर माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कितने पास रही और कितनी दूर। दोनों जमातों के दरमियान लव एंड हेट की लंबी कहानी मौजूद है। 1977 के बाद मुल्क की सियासत का दौर ज़ियाउल हक के इक्तदार से शुरू हुआ और 1988 में इनकी मौत के साथ खत्म हुआ। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकाबले में जो एक सियासी ताकत उभरी, इसकी सरबराही आज के मुस्लिम नून के कायद नवाज शरीफ कर रहे थे। इस मुखालिफत के नतीजे में दोनों ने एक दूसरे की हुकूमत को दो दो मरतबा किराया और ये एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने पर मंतज हुई। 1988 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। 1990 में मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने में कामयाब रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1993 में नवाज हुकूमत गिराकर अपनी हुकूमत बनाई और फिर एक बार दोबारा 1997 में नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराकर अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब रहे। इट्स वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट व्हाट विल हैपन वंस पीपल वोट, बट द इंडिकेशंस दैट वी हैव बीन गेटिंग सो फार इज दैट द पीपल्स पार्टी ऑफ बेनज़ीर भुट्टो हैज अ क्लियर एज। Whether that edge gives it the necessary number of seats in the assembly to enable it to form a government, I think it's very hard to say. We were a very popular party in 1993. We are more popular now. In 1993, we polled more votes than People's Party. सहाफी सुहेल वड़ाइज के मुताबिक दोनों सियासी हरीफ जमातों में कुर्बत का आगाज 1999 में परवेज मुशर्रफ की इक्तदार संभालने के बाद हुआ। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बहुत सी शकों पर अमल हुआ, बहुत सी पर अमल नहीं भी हुआ। परवेज मुशर्रफ के दौरे हुक्मरानी के आखिरी अरसे में जब 2007 में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ वुकला तहरीक का आगाज हुआ तो इसमें भी दोनों जमातों ने मिलकर वुकला की हिमायत की। चुनाचे मरकज में दोनों जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई, जबकि पंजाब की सूबाई हुकूमतों में भी पीपल्स पार्टी के लोग शामिल थे, लेकिन ये बैल मंडे न झड़ सकी और कुछ अरसे के बाद नवाज शरीफ ने वफाक से अपने अरकान वापस बुला लिए और इसी तरह पंजाब में भी पीपल्स पार्टी के जो वजारतें थी इन्हें खत्म कर दिया गया। पीपल्स पार्टी के दौर में आर्मी चीफ की तब्दीली और अमरीका में एक लिखने का मामला अदालतों में चला तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ आसिफ जरदारी के खिलाफ बाकायदा काला कोट पहनकर अदालत गए थे। 2013 के इंतखाबात के बाद जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो इस वक्त पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने शुरू में इनके साथ बहुत तावन किया। क्या माजी के इन पहलुओं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपोजिशन जमातों का ये गठजोड़ और इख्तलाफ का सिलसिला अपने मफादात के लिए ही है।